गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13.4 सवाल नंबर 5 तक आपको बता दीजिए कि सवाल नंबर 6 जरा देखिए। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया गया है। दोनों भागों के संपूर्ण पृष्ठों का योगफल ज्ञात कीजिए। दोनों भागों के संपूर्ण पृष्ठों का योगफल, मान लीजिए कोई गोला है नहीं बनाया तो हमने वृत्त है गोला बनेगा, ठीक। माना कि एक गोला है, अगर इसे हम दो बराबर भागों में बांट दें तो बताओ क्या इसकी त्रिज्या चेंज होगी। त्रिज्या भैया यही दूती मान लीजिए ओ है, ये ए है और ये बी है। ए बी क्या होता है, वृत्त का व्यास। ओ ए क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या। ओ ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या। और ओबी ओबी मतलब क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ओए बराबर वृत्त की त्रिज्या पर बराबर होती है। एबी क्या है, वृत्त का व्यास, ठीक। हम बात कर रहे थे कि इसकी गोले की, तो यहाँ क्या गोले की त्रिज्या हो जाएगी और गोले का व्यास क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा, ठीक। अब देखो इधर, इसे दो बराबर भागों में बांट दिया गया है। कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को क्या लिखोगे, ठोस गोले की त्रिज्या बताओ कितनी है। ठोस गोले की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसे दो बराबर भागों में बांट दिया गया तो दोनों भागों के संपूर्ण पृष्ठों का योगफल क्या लिखोगे। ठोस गोले को दो बराबर भागों में बांट दिया गया तो क्या बन जाएंगे, तो दो अर्ध गोले बन जाते हैं। तो क्या बन जाते हैं, तो दो अर्ध गोले बन जाएंगे, अर्ध गोले बन जाएंगे, बांट दिया जाए तो दो अर्ध गोले बन जाएंगे, ठीक। अब बताओ अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्ध गोले की त्रिज्या आर टू से मान लिया भाई, क्या करें उतनी रहेगी। भाई देखो बांटोगे तब भी त्रिज्या मान लीजिए इतना है, इतना रह गया, ऊपर भाग चला गया, तब भी त्रिज्या तो आपकी उतनी रहेगी। अब देखो जब क्या कह रहा था, दोनों भागों के दो भागों में बांट दिया जाता है, दोनों भागों के संपूर्ण पृष्ठों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो आपके दो अर्ध गोले बनेंगे, क्या बनेंगे, दो अर्ध गोले। अच्छा अर्ध गोले बनेंगे वो भी बराबर भाग के बनेंगे, तो पहले एक अर्ध गोले का निकाल लेते हैं, क्या लिखोगे, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ। अब बताओ अर्ध गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है क्या होता है, 3πr² तो 3π का मान बताया नहीं गया है, 22/7, r का मान 7/7 तो 22 × 7 = 154, 3 × 154 तो 3×12 = 3×5 = 462 cm². अब बताओ जितना इसका है उतना पहले दो अर्ध गोले बने, तो दो अर्ध गोले बने हैं तो दोनों अर्ध गोलों का तो जो है द्वारा होगा तो सेम ही, तो क्या रहेगा, दो गुणे लिख दे, दो गुणे क्या लिखोगे, दोनों अर्ध गोलों का संपूर्ण पृष्ठ। जो पूछ रहा हूं करा दोनों भागों के संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात, दोनों अर्ध गोलों का संपूर्ण पृष्ठ बताओ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, 3π या इसका दो गुणे लिखते हैं कितना, 2×462 2×4 = 12 × 8 = 924 cm². नीचे क्या लिखोगे, अतः दोनों भागों का संपूर्ण पृष्ठ, अतः दोनों भागों का
संपूर्ण पृष्ठ क्या है 924 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, अब देखो इसके बाद करा दोनों बातों का संपूर्ण पृष्ठ क्या किया है, गोला था, एक ठोस गोला था, उसके क्या किया गया, दोनों भागों में बांटा गया तो क्या बन गए, दो अर्धगोले बन गए। तो पहले अर्धगोले का निकाल लिया, अर्धगोले दोनों समान है इसीलिए दोनों अर्धगोलों का क्या हो जाएगा 926, अतः दोनों भागों का संपूर्ण पृष्ठ 926 सेंटीमीटर। आप देखें कह रहा है कि एक ठोस गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, गोले के ऊपरी सतह रखने का आकार कितना है, तो क्या लिखोगे, ठोस गोले की त्रिज्या, ठोस गोले की त्रिज्या, ठोस गोले की त्रिज्या बताओ कितनी है, कह रहा है कह रहा है ठोस गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। अच्छा बताओ जब भी कहे ऊपरी पृष्ठ रंगमाने का आकार है तो आप क्या निकालेंगे इसका वक्र पृष्ठ, क्या लिखोगे, गोले का, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4πr² चाहे संपूर्ण पृष्ठ पूछे तब भी इतना ही होता है। ठीक, अब 4πr² 4 22/7 आर का मान 14 है, कितनी बार, दो बार, 7 × 14। अब देखो 22 4 है, 22 × 44 और 14। ठीक, अब देखो 4 × 16 4 × 16 = 70। ठीक, बुढ़े 14, अब कितना आएगा 84 और 84 × 98 8 × 8 = 16 यहाँ कितना रहेगा 6, यानी कितना बचा 10। फिर 14 × 14 कितना हो जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ आ गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वर्ग सेंटीमीटर रंगवाने का खर्च 5 पैसे, क्या लिखोगे, एक सेंटीमीटर स्क्वायर, एक सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लिखा था, रंगवाने का खर्च, रंगवाने के एक सेंटीमीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ को रंगवाने का खर्च, एक सेंटीमीटर वक्र पृष्ठ रंगवाने का खर्च कितने पैसे है, 5 पैसे, 5 पैसे है ना कि रुपए भैया, पहले इसको रुपए बना ले, तो रुपए बनाओगे तो क्या लिखोगे 5/100, तो रुपए में कितने पैसे होते हैं 100। अब बताओ आया कितना है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ रंगवाने का खर्च, रंगवाने का खर्च कितना है, 5 × 5/100 से कितना था 2464, यही तो है। अब देखो 100 से भाग ना करना, दिक्कत होगी कि कर देना, चलो कर देते हैं, 5 × 5 = 10 कितना जाएगा 20 आ जाएगा। अब 2 से काटो था 2 × 2 = 0 आ जाएगा, 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 2 × 4 तो कितना जाएगा 123.2 रुपये, 123.2 रुपये क्या आ जाएगा लिखोगे, अतः इसके अतः गोले की ऊपरी सतह रंगवाने का खर्च, क्या लिखोगे, अतः गोले की ऊपरी सतह रंगवाने का खर्च कितने रुपए, 123.2 रुपए है। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल था, देखो ऊपरी सतह कह रहा था तो क्या निकाल लिया गया, वक्र पृष्ठ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5 पैसे दिया था, उसके अंदर रुपए बना दिया तो टोटल रुपए कितने आ गया 123.2 रुपए। तो सवाल नंबर 8 कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर व्यास के कह रहा है कि गोले की ऊपरी सतह, तो क्या लिखोगे, ठोस गोले का व्यास,
सवाल नंबर आठ है भैया, ठोस गोली का व्यास कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो ठोस गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7/2, क्योंकि व्यास की आधी होती है, इसे काटना नहीं, ठीक। 4πr² काटोगे तो बाद में बड़ा बात करना पड़ेगा। तो बताओ ठोस गोले की बाहरी पृष्ठ क्या कह रहा है? ऊपरी सतह कह रहा है, तो वही निकालना है गोले का वह पृष्ठ। 4×22/7, आर का मान कितना है? 7/2 कितनी बार है? 2 बार, एक बार कट जाएगा, ठीक। 2×2=4, 2 से 2 कट जाएगा, 22 कितना बचेगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि गोले के ऊपरी सतह 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंगवाने का खर्चा लिखोगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपरी सतह रंगवाने का खर्च, कितने रुपए है? 20 पैसे है ना कि रुपए, ठीक। 20 पैसे है, इसको रुपए बनाओगे तो क्या आ जाएगा? 20/100 काटे तो 5/5 1/5 रुपए आ जाएगा, ठीक है, 1/5 रुपए आ जाएगा। अब बताओ आया कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए देखो कहीं कहीं इसलिए का निशान छूट गया हो तो दूसरी लाइन जब लिखते हैं तो लगा लेना चाहिए, ठीक। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपरी सतह रंगवाने का खर्च, कितने रुपए बताओ? 1/5 से बड़ा कर दोगे, कितने रुपए? 154 था तो देखो 154 था तो कितना जाएगा? 5×3=15 देखो कितना जाएगा? 5×3=15 और भाई देखो दसमलव लगाओ, एक मतलब दसमलव लगा तो यहाँ एक अनुपात हो नहीं रहा, क्या जाएगा? 15/40 तो कितना रहेगा? 3.8 रुपए। ये पाएगा नहीं तो बोलो दिक्कत हुई होगी, कैसे कर लेते, ठीक। बताओ 20/100 था और मुझे 54 करते हैं मान लीजिए आपका, तो कितना आता है यहाँ पर? देखो 8×5=10 और 2×1=2 मतलब 900 आता, 908। यहाँ क्या करते तुम? 20/100 जो था, 20/100×154। देखो इधर अगर आप 20/100×154 लेते तो गुणा करते 2×8=10 और 2×3=8 आता है, ऐसे कुछ 380 3000 आता, बटे 100 आता, तो इसको आप क्या ले सकते थे? 3.80। देखो ऐसे सवालों में जो होते हैं ज्यादा काटा पिटी ना किया करो तो आपके बाद में चलता हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देखो, कह रहा है पीतल से बने एक अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास इतना है तो इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का खर्च बताओ। कटोरे का आंतरिक व्यास कितना दिया है? लिखिए क्या लिखोगे? पीतल से बने अर्ध गोलाकार कटोरे का लिखोगे? सवाल नंबर 9 अर्ध गोलाकार, कटोरे का पीतल से बने अर्ध गोलाकार कटोरे कटोरे का व्यास कितना है? 16.5 सेंटीमीटर। लिख दे भाई पूरा पीतल से बने अर्ध गोलाकार, क्या लिखोगे? पीतल से बने अर्ध गोलाकार कटोरे का व्यास, सही है। अब क्या लिखोगे? पीतल से बने अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या, आप लोग लिखेंगे दस दस न लगाए, क्या लिखोगे? r=d/2 मतलब क्या? 10.5/2 आप लोग काटे ना, ठीक। हो सकता है सवाल उसमें रखा जाए कट जाए, ठीक। काटोगे तो बाद में फिर दोनों हटाना पड़ेगा। अब बताओ क्या कह रहा है?
आंतरिक लिखा था, कटोरे का आंतरिक व्यास लिखा है, ठीक, कटोरे का आंतरिक व्यास लिखा। क्या लिखोगे सुन लो, लिखा कुछ भी हो, पीतल से बने अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास, ठीक, क्या लिखोगे, पीतल से बने अर्ध गोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, कटोरे की क्या लिखोगे, आंतरिक त्रिज्या इतनी है। तो अब क्या कह रहा है कि इसके आंतरिक पृष्ठ पर क्या लिखोगे, अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठ, आंतरिक वक्र पृष्ठ, आंतरिक वक्र पृष्ठ, तो क्या आ जाएगा, अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ है नहीं, आंतरिक वक्र पृष्ठ है। अगर इसने कहा होता कि संपूर्ण पृष्ठ, क्या कह रहा है, आंतरिक वक्र पृष्ठ पर कढ़ाई कलाई कराने का खर्च, गोले का जो होता है, गोले का अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक पृष्ठ क्या होगा, 2πr2। अगर संपूर्ण पृष्ठ कहता है तो क्या होता है, 3πr2, तो 2×22/7, आर का मान कितना था, 10.5, कितनी बार है, 2 बार, 10.5 दो लिखना है, 10 मिनट कितना लिखना है, 2, यहाँ कितना जाएगा, बताओ 20 आ जाएगा, कोई दिक्कत, अब बताओ यहाँ का कितना जाएगा, 5×2 = 20, 5×10 5×5, 5×2 = 20, 5×10 5×5, अब कुछ और कटेगा, 7×3 = 21, ठीक, 2×2 = 4, 2×1 = 2, तो क्या जाएगा, 11×3×21/4, इसकी गुणा करना तो आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो गुणा करना, गुणा उसकी गलत भी हो जाए तो आप कर सकते हैं गुणा। अब बताओ इसने क्या कहा है, कह रहा है कि 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, अब बताओ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का खर्च आ रहा है, कलाई कराने का खर्च कितने रुपए होगा, अच्छा 16 रुपए, कितने रुपए है, 16 रुपए। अब बताओ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का खर्च कितना रहेगा, 16/100, अब आया कितना था, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का खर्च, कटोरे के आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का खर्च लेना, कटोरे के आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का खर्च 16/100 × 173.25, इसकी गुणा करोगे कितना आएगा, काटे देखो यहाँ कितना जाएगा, 173.25 × 16/100, तो इसका इतना आएगा 27.72 रुपए आएगा लगभग, ठीक, अब गुणा तो कर लोगे, गुणा ना कर पाना तो बताना, ठीक, देखो क्या लिखा जाएगा, पीतल से बने अर्ध गोलाकार कटोरे की कटोरे का आंतरिक व्यास, फिर क्या लिखोगे, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक पृष्ठ कितना आया, तो इतना आया, इसकी गुणा कराएगी तो यहाँ पर सबसे पहले 7 रुपए आएगा लगभग, ठीक। अब मेरा होमवर्क में एक्सरसाइज जो है 13.1, हर एक्सरसाइज से तुमको इकाई 12 से पढ़ाया गया है, हर एक्सरसाइज से कम से कम 6-6 सवाल लगाना है। एक्सरसाइज देखो 12.1 में इकाई 12 में कितनी थी, 3 थी एक्सरसाइज, और इसमें कितनी पढ़ाई गई, 4, तो 4 × 7 = 42 सवाल तुम्हारे लगे हो, ठीक, तो
तुम्हारा समर होमवर्क है, जो इकाई 12 से पढ़ाया गया है, त्रिभुज द्वारा पढ़ाया गया था हीरोन का सूत्र, हीरोन के सूत्र, और तुम्हारा जो पढ़ाया गया है एरिया एंड वॉल्यूम, तो इसके कितने सवाल, कम से कम 42 सवाल सभी के लगे हों, हर इकाई हर इस पर 5 से कम 6 सवाल।